कुशीनगर जिले के नगर पंचायत रामकोला में लगभग 50 लाख की लागत से कूड़े के ढेर का निस्तारण के लिए MRF सेंटर का निर्माण कराया गया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन केवल कागजी आंकड़ों में चल रहा है। जमीनी धरातल पर स्वच्छता दम तोड़ती नजर आ रही है। मुख्य मार्ग के किनारे लगे कूड़ों की ढेर और प्राइमरी पाठशालाओं के सामने वायरल तस्वीर खुद अपने आप में एक सबूत है। यहाँ की स्वच्छता दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। पूर्व विधायक ने स्थानीय नगर निकाय और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि स्थानीय निकाय PM और CM के विजन को समझ नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से लगातार स्वच्छता पर ध्यान दिया, बड़ी तादाद में पैसे भी रिलीज किए राज्य सरकारों को, स्थानीय निकायों को, और विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार स्वच्छता पर जोर दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्थानीय निकाय और जो सरकारी संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के विजन को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, जिसके चलते स्वच्छता पखवाड़ा एक मजाक बनता जा रहा है। आज भी नगरों में पूरा निस्तारण केंद्र स्थापित की है, वहाँ गिरा न करके इधर स्कूल के बगल में रोड किनारे गिरा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में महामारी फैलने की आशंका प्रबल होती जा रही है। जैसे लाखों की लागत से अगर बना हुआ है तो क्या लग रहा है आपको, उसमें तो निस्तारण होना चाहिए। लेकिन लाखों की लागत लगा करके मालूम पड़ा कि घोटाले के लिए बनाया गया और उसमें घोटाला कर लिया गया, तो निस्तारण जरूर होता अगर उसका सही सलामत करता।